सरकार से सरकार नहीं चल पा रही है। गहलोत साहब भागने के लिए तैयार है, सरदारपुरा से भी हारेंगे आपकी बात, सरदारपुरा से गए काम से। मैं स्पोर्ट्स का बंदा हूँ, मुझे राजनीति नहीं आती, लेकिन मैं आप सभी के आपके माध्यम से इन सभी को बताना चाहता हूँ कि जब हम खेल के मैदान में उतरते हैं, हम पूरे देश के लिए खेलते हैं। हमारे देश का लीडर माननीय नरेंद्र मोदी जी जब हमें हौसला बढ़ाते हैं, जब हमारे पास कॉल आती है कि प्रधानमंत्री जी आपसे बात करना चाहते हैं, आपने मेडल लिया, हमारा सीना 56 इंच का हो जाता है और हम खेल के मैदान में गोल्ड मेडल लेके आएंगे। कि आपकी कांग्रेस सरकार ने खिलाड़ियों का भविष्य से खिलवाड़ की है, खिलवाड़ किया है, कॉमनवेल्थ में आपने घोटाला किया है और इस पे आपके ऊपर जांच चल रही है। अरे कांग्रेस ने 70 साल तक देश को खोखला करके रख दिया, पूरे देश को दीमक की तरह चाट गई कांग्रेस, और अब नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है, लगातार बनेगी, और भारत में एक नए हिंदू राष्ट्र का उदय होगा, और भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 घंटों तक लगातार जनता की सेवा में लगा रहता है, और कांग्रेस को ये देखा नहीं जा रहा है। कांग्रेस अंदर अंदर जल चुकी है, अंदर से भुन चुकी है, पूरे राज्य में साफ हो चुका है। हमारे आमेर की स्थिति यह है, उनके पास मैदान में उतारने के लिए कैंडिडेट नहीं है, मैदान छोड़कर भाग रहे हो। गहलोत साहब राजस्थान के मुख्यमंत्री की यह हालत है, अपने ही सचिवालय में आग लगवा रहे हैं, रोज नए नए जो भ्रष्टाचार के कागज है उनको जला रहे हैं, और वो अब उनकी तैयारी है भागने की, तो वो भागना चाहते हैं, बचना चाहते हैं, अपने भ्रष्टाचार से बचना चाहते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आएगी राजस्थान में, कमल खिलेगा, उनके भ्रष्टाचारों को उजागर किया जाएगा और उनको गिरफ्तार करके जेल में डाला जाएगा। अरे प्रियंका जी कह रहे हैं गहलोत आ रहे, भाजपा जा रही है। अरे लड़की हूँ लड़ सकती हुई नारा दे रही थी ना प्रियंका, दे रही थी। यूपी में ये हालत हुई प्रियंका गांधी की, उनका योगी सरकार ने अब दोबारा अपना शासन स्थापित किया है, प्रियंका गांधी की ऐसी हालत करके क्या है। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, राजस्थान में भ्रष्टाचार नंबर 1 पे, दुष्कर्म, लूट, चोरी, बलात्कार की हत्या, रोज नई घटनाएं आ रही हैं, राजस्थान 1 नंबर पर चल रहा है इसमें, रोज पेपर लीक हो रहे हैं। सरकार से सरकार नहीं चल पा रही है, सरकार से सरकार नहीं चल पा रही है। गहलोत साहब भागने के लिए तैयार है, सरदारपुरा से भी हारेंगे आपकी बात, गए काम से, पूरी तरह से गए काम, जादूगर है महाराज, जादूगर के अपनी टोपली, जादूगर की टोपली अंदर रह गई, अब भूल चुके हैं वो जादू, क्योंकि बूढ़े हो गए, दिमाग बूढ़ा हो गया भैया, दिमाग बूढ़ा हो गया, जादू भूल गए। गहलोत जी बूढ़े नहीं हुए, अनुभव इतना आ गया, जबकि मोदी को हराएंगे, हराने के लिए तो उनके साथ पूछते भी नहीं है, साथ पूछते पैदा ही नहीं मोदी को हराने के लिए, तो मोदी गहलोत, अरे सुन, पूछते नहीं हरा सकती मोदी को, और अरे राजस्थान में आपकी बार चुनाव जीत के बता दे गहलोत, कह रहे हैं इतना घबरा गए मोदी कि उनके बेटे के घर ईडी भेज दी, बताओ यार, बेटे ने को सांसद का चुनाव लड़ा है तो वो भी हार गया, अब क्या करे, ईडी जो भ्रष्टाचारी है उनको ईडी पकड़ेगी, सीधी सी बात है, ईडी क्यों नहीं पकड़ेगी उनको, पेपर लीक में उनका हाथ है, इसलिए ईडी उनको पकड़ेगी। चलिए ठीक है भाई साहब, क्या कहना है आपका? मेरा नाम प्रदीप गुर्जर है, मैं 2 बार का राष्ट्रीय गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, और मैं एथलेटिक्स का हूँ। अच्छा, मैं आपके माध्यम से एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि मैं उस पार्टी का सपोर्ट नहीं करता जिसने कॉमनवेल्थ गेम में घोटाला किया था, और मैं उस पार्टी का सपोर्ट नहीं करता जिसका एक समर्थक कहता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, मैं राम भगत हूँ, जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की, भारत माता की। आज हम जब, मैं स्पोर्ट्स का बंदा हूँ, मुझे राजनीति नहीं आती, लेकिन मैं आप सभी के आपके माध्यम से इन सभी को बताना चाहता हूँ कि जब हम खेल के मैदान में उतरते हैं, हम पूरे देश के लिए खेलते हैं, हमारे लिए कोई किंतु परंतु नहीं होता। हमारे देश का लीडर माननीय नरेंद्र मोदी जी जब हमें हौसला बढ़ाते हैं, जब हमारे पास कॉल आती है कि प्रधानमंत्री जी आपसे बात करना चाहते हैं, आपने मेडल लिया, हमारा सीना 56 इंच का हो जाता है और हम खेल के मैदान में गोल्ड मेडल लेके आएंगे। मैं प्रदीप गुर्जर माननीय मोदी जी ने, माननीय गृह मंत्री जी ने मेरा हौसला बढ़ाया है, मैं भारत के लिए नहीं, मैं पूरे राजस्थान के लिए इंटरनेशनल मेडल लेके आऊंगा और भाजपा को आजीवन तक वोट करूंगा, भारतीय जनता पार्टी। गुर्जर जी, कांग्रेस वाले कहते हैं मोदी जी खिलाड़ियों का भी क्रेडिट खा जाते हैं, अपनी फोटो लगवा लेते हैं खिलाड़ियों की जगह पे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा ये पत्रकारिता के माध्यम से कुछ दुष्प्रम भी फैलाया जा रहा है। आपने बहुत लोगों से सवाल किया, मैं सिर्फ आपसे एक सवाल करना चाहूंगा, सिर्फ एक सवाल, और एक सवाल का आप जवाब एक ही शब्द में दीजिएगा, राजीव गांधी के पिताजी का नाम क्या था,
फिरोज खान का बेटा राजीव गांधी कैसे हुआ, क्या बताओगे आप मुझे? क्या आपके पत्रकारिता में दम है? मैं सीना तान के कह सकता हूँ, मैं सीना तान के कह सकता हूँ कि मैं भारत माता का वीर सपूत हूँ। भारत माता की, भारत माता की। आप देखो खिलाड़ी हो तो एक खेल से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछ लेते हैं। वो मोदी जी कह रहे हैं कि जब से वो आए हैं खेल, मोदी आए हैं तब से पदक आ रहे हैं, लोगों को सपोर्ट वगैरह मिल रहा है। कांग्रेस कहती है सपोर्ट वगैरह तो पहले ही मिलता था, मोदी जी तो सिर्फ खिलाड़ियों के नाम पे भी राजनीति कर रहे हैं। आप बताओ, क्या आपको पता है कि एक बार बीजिंग में ओलंपिक हुआ था, बीजिंग में ओलंपिक हुआ था, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ। तो हमारी सोनिया गांधी जी उस समय प्रधानमंत्री थे, मनमोहन सिंह जी थी, उनकी चलती नहीं थी तो जाते थे प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी जी जाती थी। एक तरफ हमारे ओलंपिक जो मेडलिस्ट थे वो मेडल लेके आए थे, उनसे नहीं मिली वो बिरयानी खाने के लिए उन भ्रष्ट नेताओं से मिली जो वहाँ के पार्टी चलाते हैं, चाइना में पार्टी चलाते हैं। और इनका राज चाइना में, पाकिस्तान में, इनके पास भ्रष्टाचार का पैसा आता है। और मैं इस खुले मन से कहना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, इनके जो भी आला नेता हैं, अशोक गहलोत जी, मेरे को अरेस्ट करवा दीजिएगा, आपकी सरकार है, क्या पता आ भी जाए। लेकिन मैं खुले मन से कहता हूँ कि आपकी कांग्रेस सरकार ने खिलाड़ियों का भविष्य से खिलवाड़ की है, खिलवाड़ किया है, कॉमनवेल्थ में आपने घोटाला किया है और इस पे आपके ऊपर जांच चल रही है। चलिए एक गुजर जी लास्ट सवाल और दे दीजिए। अभी दिल्ली में देखा होगा कुछ पहलवान धरने पर बैठे थे, तब से भी कांग्रेस बार बार आरोप लगाती है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो खेल खिलाड़ी विरोधी है, महिला विरोधी है, देश का जिन्होंने सम्मान बढ़ाया, गौरव बढ़ाया, उसका अपमान करती है, आप क्या सोचते हैं? देखिए मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आज हमारे खिलाड़ियों के बारे में मैं बताऊँ, योगेश्वर दत्त है, वो भी बीजेपी से बिलोंग करते हैं, उन्होंने इस देश को बहुत मेडल दिए हैं। बबीता फोगाट है, उसने भी बहुत मेडल दिए हैं। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है, उन्होंने बहुत मेडल दिए हैं। अगर इस बात, आप जो बात बोल रहे हैं इसमें कहीं भी सत्यता होगी, इसकी निष्पक्ष जाँच हो रही है। इस देश, इस लोकतांत्रिक देश में हाईकोर्ट जैसे, सुप्रीम कोर्ट जैसे जज बैठे हुए हैं, वहाँ पे जो भी जांच होगी, दोषी किसी भी पार्टी का होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। मैं ये आप बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। ये जब से योगी का बुलडोजर यहाँ आया है, कह रहे हैं चुनाव में डराने की कोशिश की जा रही है लोगों को, देखो यूपी जैसा हाल कर देंगे। नहीं, ऐसा कुछ ही नहीं है। डरा कभी भी बीजेपी डरा के कोई भी चुनाव नहीं जीतती है। ठीक है, बीजेपी जो मोदी जी ने देश में जो नाम कमाया है वो अपनी मेहनत और काम के द्वारा कमाया है और उसका पूरी दुनिया ने लोहा माना है। आप ये देखो, दूसरी दुनिया के राष्ट्र के देश के प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट मोदी जी को चरणों में ढोक दे रहे हैं, तो ये ऐसे ही नहीं दे रहे हैं, ये ऐसे ही नहीं दे रहे हैं। मोदी जी की मेहनत का लोहा मान रहे हैं और पूरी दुनिया मानने वाली है मोदी जी को। अभी आपने G20 का जो प्रोग्राम था राजघाट पे, पूरी दुनिया में किसी भी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को वो लम्हा देखने को नहीं मिलेगा कि मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री आगे आगे और पूरी दुनिया के ताकतवर प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर उनके पीछे पीछे नंगे पैर राजघाट पे चल रहे हैं। तो ये मोदी जी की मेहनत का नतीजा है, वो उन्होंने हर पल 18 घंटे देशवासियों के लिए सोचते हैं, नेशन के लिए सोचते हैं। और जो काम मोदी जी ने देश के लिए किया है, दुनिया में कोई भी प्राइम मिनिस्टर ने अपनी कंट्री के लिए ऐसा काम नहीं करा। क्या काम किया है महाराज? राहुल गांधी कह रहे हैं सबसे ज्यादा बेरोजगारी अभी, सबसे ज्यादा महंगाई अभी। नहीं नहीं, आपने देखा होगा मोदी जी जो कहते हैं वो करते भी हैं। क्या किया है ये बताइए? धारा 370 असंभव काम, राम मंदिर, वो कहते थे कि साहब राम मंदिर बस खाली एक वो है, कमिटमेंट है। आज डेट भी बता दी गई है कि मोदी जी राम मंदिर का उस दिन शिलान्यास करके उद्घाटन कर रहे हैं। तो मोदी जी के कामों के बारे में बताने के लिए आपको कम से कम 4 से 5 दिन रुकना पड़ेगा। मोदी जी ने इतना कुछ किया है देश के देशवासियों के लिए, जो कभी भी देश वालों को, हमारे देशवासी उनका उपकार कभी भी नहीं भूल सकते हैं। सही बोल रहे हैं भाई साहब, बिल्कुल 100% सोने की 24 कैरेट के जैसे शुद्ध है वो मोदी जी और बीजेपी का शासन। हाँ, आप में अपना जमीर जगाया है, उन्होंने जमीर कैसे जगाया है, जो हिंदू सोया हुआ था उसको जगाया है कि किस तरीके से आप अपने विचारों को जो भूल गए थे, सनातन संस्कृति को जगाया, जो 500 साल से राम मंदिर, जिसके लिए एक हिंदू होते हुए, अपना एकमात्र हिंदू देश भी नहीं है वो, हिंदू होते हुए, बाहुल्य होते हुए भी अपन ने अभी तक देखा नहीं, और अभी उनके सामने सपना सच हुआ है ये, तो ये एक बड़ी बड़ी जीत है। और
लोग कहते हैं, ये कांग्रेस वाले कहते हैं बीजेपी ने थोड़ा राम मंदिर बनवाया, वो तो कोर्ट ने बनवाया। कोर्ट पे कास कैसे गए, कैसे कार्यक्रम को रोकाया, कैसे कह गया, उन सबको पता है, पूरी जनता जानती है किस तरह ने अपना समर्पण दिया। ये या तो हिंदू नहीं है या कांग्रेस ही नहीं है। कारण जो हिंदू होते हुए भी भगवान राम का अस्तित्व को नकारते थे, जो एफिडेविट लगा के सुप्रीम कोर्ट में बोलते थे कि हिंदू राम हुए ही नहीं, तो आप किसको क्या कहोगे बताओ? मोदी जी जिंदाबाद। नरेंद्र नारे बाद में लगाएंगे, पहले बात करते ना लोगों से। क्या ना आ गए ये भाई साहब, आप भी आ गए। क्या नाम है आप? नरेंद्र सेंगवा, जोधपुर से आया हूँ भाई साहब के नामांकन के लिए सिर्फ। बताइए किन मुद्दों पे वोट करेंगे आप? बीजेपी के नाम पे, नरेंद्र मोदी। क्या किया मोदी ने? सब कुछ किया है, भारत की छवि बनी। क्या नहीं किया वो आप बताओ? अरे हमारे लिए 100% कर दिया, आप बताओ क्या नहीं किया? संभव काम किया। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कुछ। राहुल गांधी, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। राहुल गांधी नहीं जानता, नहीं जानता। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष। कौन कांग्रेस पार्टी? भाई साहब मैं एक मिनट, भाई साहब मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। हाथ जोड़ के विनती है, कोई भाई बुरा नहीं मानेगा। देखो मेरे पिताजी है ना कांग्रेस में थे, ठीक है, किसी जमाने में, किसी टाइम में मेरे बाप का मकान बिक गया, दुकान बिक गया, सब कुछ बिक गया। आज ना तो मेरे बाप का नाम है, ना मेरे मकान का नाम है, ना उसका कोई सिस्टम है। मैं आया बीजेपी में, बीजेपी में आया, मुझे बीजेपी से मतलब कम है, मुझे कमल से मतलब है। जो कीचड़ में खिलता है उसको कहते हैं फूल, वो भी कमल का। कमल का कैसा लगा? बहुत अच्छा। लेकिन कमल बहुत अच्छा था, कमल के ऊपर विराजमान कौन है? लक्ष्मी माता स्वयं और उनके संगी है गणेश जी। क्या गलत कह रहा हूँ? लेकिन एक उदाहरण कहना चाहूंगा, मेरे माँ बाप का सब कुछ बिक गया, आज मैं फुटपाथ तो हुआ हूँ, किराए की जिंदगी जी रहा हूँ, किराए के मकानों में रह रहा हूँ और किराए का खा रहा हूँ। मेरा बस नहीं चलता, नहीं तो किडनी बेचे खा जाऊं, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि मैं ना मोदी से खुश हूँ। नहीं 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 नहीं, किडनी तो कांग्रेस के लिए बेचना चाह रहा था, लेकिन मोदी से इसलिए खुश हूँ उसके भाषण में उसकी जान है, उसके भाषण में उसकी जान है, लेकिन मेरा पहलवान है। अच्छा। मैं हरियाणा का वासी हूँ अब, पहले मैं राजस्थान का वासी था, अब हरियाणा वासी हूँ मैं। अच्छा।